कीर्ति चल सिमान से बैठ। दादाजी वापस घर लौट रहे हैं और हम यहाँ। अब तो गए हम सब। गलती तेरी है निशा, जो तूने सुखू पे ट्रस्ट किया। निशो कुछ मत बोलो उमेश भैया, मैंने कहा ना आपको कि गलती मेरी है। तू चुप रहे यार, किसी लायक नहीं है तू। ओ भाया, लायक है या नालायक है इस बात का फैसलो बाद में कर लियो, मारे को मारे पैसे दिला दो बस। लेकिन यार पैसे अब लाएंगे कहां से? एक तूने इसको कोई काम देना नहीं चाहिए था, चीटर है सौरभ। जब हम में से किसी का कोई काम अटकता है ना तो हमें सुखू ही याद आता है, और आज वही सुखू चीटर। कोई सुखू को कुछ नहीं कहेगा। ठीक है डॉक्टर, कैसे काम करते हैं, ये सबको छोड़ो पहले घर चलते हैं। दादाजी के आने से पहले सब लोग घर के अंदर घुसो, ठीक है? मिश्रा जी आप घर चलिए, आपको पैसे हम वही दे देंगे। निशु पर कहां से लाएंगे इतने पैसे? वो सब मैं मैनेज कर लूंगी भैया, लेकिन इस वक्त घर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रा जी आप बैठ जाइए। आप सबको घर लेकर जाइए, केटर से मैं डील करती हूँ, ठीक है? शुभर क्या करेंगे? भैया मैं मैनेज कर लूंगी, आप जाइए। ओए मैं साथ चलो। क्यों? तू मेरी मम्मी है, जाना। जल्दी हो यार। मिश्रा जी वो क्या है ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिस वजह से मैं आपको कैश तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आप ही मेरी स्कूटी रख लीजिए, ब्रांड न्यू है, लीजिए ना। ये क्या कर रही है निशु? क्या हुआ? इतना लड़की, उसने स्कूटी ली थी उसे ही दे रही है। ये पागल हो गई है क्या? ये इनसे मिलिए, अरे इन्हीं की मेहरबानी। सुको इस सकते हो फिश दादाजी। निशु निशु भाग। निशु थैंक यू मिस्टर जी। अब तो पक्का गई निशु। कैसी रही पार्टी? खमदोंग नहीं बाबूजी, पार्टी के कुछ पैसे रह गए थे तो निशा जी ने अपनी स्कूटी दे दी। ठीक है, तुम्हारे हिसाब के पैसे कल दुकान में पहुंचा देंगे। जी जी। ये तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा मैंने अभी। बाकी लोग आए हैं? कोई नहीं है दादाजी, वो मैं अकेली गई थी। तो गवाह पहलवान समझती हो खुद को? मना किया है ना मैंने कि कोई लड़की 8 बजे के बाद अकेली घर से बाहर नहीं जाएगी। इसे माहौल में ये बेवकूफी तुम पर भारी पड़ सकती है। तो क्या हर वक्त घर पर ही बैठा रहे? होने को तो दिन दहाड़ी भी कुछ भी हो सकता है ना। कोई रूल थोड़ी ना है कि सारे रेपिस्ट 8 बजे के बाद ही घर से बाहर निकल। मत करो। अगर गलती सुधारने का बड़ापन नहीं दिखा सकी तो कम से कम गलती मान लेने की अकल तो दिखाओ। सुकू, हम सब साथ चलेंगे, चलो। हाँ उमेश भैया। ये हम चिंगम क्यों खा रहे हैं?
ताकि हमारा मुंह बंद रहे और उसमें से बदबू ना आए। चलो अब। आइए आइए आइए। मैं भी सोच रहा था कि गधों की बारात लेट कैसे होगी। वाह बहुत अच्छी क्या बात। अरे वाह 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 वाह, तो ज्वाला ने भी आवारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, क्या बात है। आजकल ये कपड़ों की क्वालिटी कुछ खराब आने लगी क्या? ये सब बेवजह छोटे होते आते कपड़े, ये क्या क्या हो रहा है सब? दादाजी वो क्या है ना कि हम पार्टी में गए थे और पार्टी में तो सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। भेड़ चाल भेड़ों पे ही ठीक लगती है। दादाजी वो निशु की कोई गलती नहीं थी, उसको मैंने ही बोला था। पहले जुगाली करना बंद करो बदतमीज। सौरभ तुम जाओ घर जाओ, माँ परेशान हो रही होगी घर में तुम्हारी। जी दादाजी। तुम लोगों ने सोचा होगा कि बुड्ढा तो अजमेर निकल गया तो मौके का फायदा उठाते हैं, पर आप लोग सब भूल गए कि मैं तुम्हारे बापों का भी बाप हूं। ये देखो स्मार्टफोन रखने से अगर लोग स्मार्ट हो जाते, एक ही दिन में एटीएम से 45,000 रुपए निकाले की गलती नहीं करते। लेकिन दादाजी हम सब आपस में ही पार्टी कर रहे थे, आप चाहे तो हमारे बैग्स भी चेक कर सकते हैं। हम सब लड़कियों के बैग में पेपर स्प्रे है। चलो एक गलती का तो इंश्योरेंस ले रखा है तुम लोगों ने, लेकिन बाकी गलतियों का क्या? किस बात के सहारा दिया है तुम लोगों को इतनी देर रात तक आवारागर्दी करने की, या छोटे कपड़े पहनने की, या फिजूल में इतनी बड़ी रकम खर्च करने की? लेकिन दादाजी वो अकाउंट हम सबके पॉकेट मनी वाला अकाउंट है जिसमें हमारे पैसे हैं। हमारे पैसे? ये घर जिसे तुम मकान समझ के रहती हो ना, इस घर को खड़ा करने में मैंने अपने पैसे खर्च नहीं किए, अपनी जवानी खर्च की है। एक बार भरोसा करके तो देखिए। भरोसा मांगना नहीं पड़ता, भरोसा कमाना पड़ता है। एक मौका तो दीजिए ना, इतनी छोटी सी गलती के लिए आप। गलती छोटी है या बड़ी है इसका फैसला तुम लोग नहीं करोगे, इसका फैसला मैं करूंगा। मैं दादाजी हम सब सिर्फ डॉलिटी को फेयरवेल दे रहे थे, पर ये जो कुछ भी हुआ उस पार्टी में हुआ जिसमें हम सब साथ थे। साथ थे पनिशु? दादाजी हम सब सॉरी बोलने के लिए रेडी हैं। सॉरी दादाजी। सॉरी दादाजी। सॉरी दादाजी। सॉरी दादाजी। निशु निशु सॉरी बोलना, बोल देना निशु। सॉरी बोल निशु, सॉरी बोल। इस घर में अगर अपनी दी को फेयरवेल देने की भी आजादी नहीं है तो ठीक है, सॉरी। माफी तब मांगना जब गलती का एहसास हो, और एहसास होगा जरूर होगा जब सजा मिलेगी। से बात करनी है और ये बैटरी लो है। कीर्ति गरम गरम नूडल्स जैसा खाना है खा लो, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है भाई। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। उमेश भैया दादाजी से इतनी डांट खाने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा ना? थोड़ा भरा लेकिन दादाजी की डांट में वो मसाले नहीं थे जो नूडल्स में। अब एक्टिंग मत कर, तुझे करना था वो तो तूने कर ही लिया।
आ जा खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना। वो खा लेना। ले लिया बदला दादाजी ने। एक भी चार्जर नहीं मिल रहा है ना फोन का ना लैपटॉप का। मैं चार्जिंग कैसे करूंगी? क्या नहीं दादाजी की सजा तो मिल गई ना। हाँ बेटी तुम आराम से खा तो। उमेश भैया मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है जतिन का। सुबह से 98 कॉल जा चुके हैं तुझे। एक भी उठाया तूने? हाँ कीर्ति तूने जतिन के साथ भी ब्रेकअप कर लिया? ललिता आपने देखा है उसके दांतों के बीच में कितना गैप है? जिस बिकॉज़ उसके दांतों के बीच में गैप है तो तूने उसे ब्रेकअप कर दिया? निशु मैंने ना एक मैगजीन में पढ़ा है जिनके दांतों के बीच में गैप होता है ना वो रोमांटिक नहीं होते। अरे ये लो मल्टी चार्जर। थैंक यू। रुको मुझे क्यों नहीं दिया ये पहले? मुझे सुमित से बात करनी है ना। तो डॉली दी मल्टी चार्जर ही तो है। पर मुझे पर क्या लगाओ चार्जिंग पे। तुम लोग को तो हमेशा मैं बुरा ही लगता हूँ ना। कभी ये नहीं सोचते कि मैं तुम लोग के बारे में कितना सोचता हूँ। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो किया ना वो बहुत गलत है और जस्ट इन केस तुझे ऐसा लग रहा है कि हमने तुझे माफ कर दिया है तो ये तेरी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं है निशु मेरी फैमिली गलत है। तुम सब मुझसे सिर्फ सॉरी सुनना चाहते हो ना तो ये लो आई एम सॉरी। इतना एटीट्यूड क्यों झाड़ रहा है यार सुको। छोड़ो ना आपका। जाओ मम्मी मम्मी जा। ये सब हाँ ये क्या है? कौन है यहाँ? सो रहा है? झूठे निशु ये क्या हो रहा है? मैं मैसेज कर करके थक गई हूँ। कहाँ थे तुम लोग? पता है रमेश अगर रूपावती के हाथों समोसे ऊपर नहीं भेजते तो वीरेंद्र ताऊ जी ऊपर आने वाले थे और बाऊजी तो ऑलरेडी मिल लिए। माँ राम अब तो डांट पड़ी होगी। अब क्या होगा? मेरी गलती है। तुम लोगों को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए था। लक्ष्मी रिलैक्स मी रिलैक्स मी रिलैक्स मी रिलैक्स मी रिलैक्स। क्या है निशु? लक्ष्मी रिलैक्स मी लक्ष्मी रिलैक्स मी। डर तो लगता है ना? पता है डर के मारे मैंने क्या किया? नमक भी खाना ज्यादा मिला दिया आज। खाने में नमक माँ वही वो तुम लोगों के लिए तो क्या करूँ समझ में नहीं आता है। बस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ नहीं माँ। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो माँ कल ना संडे अब तुम्हारे जैसे भी लगने वाली है। जाइए निशु तू ना मुझे पागल बना देगी। निशु उमेश भैया कल संडे है मेरा सबसे बेकार दिन। पापा गोविंदा की कोई मूवी देखकर लेट सोएंगे और संडे नाश्ते के लिए पापा को दादाजी के सामने टाइम पर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। बहुत स्ट्रेस है यार। आई जस्ट हेट संडेस। सेम यार निशु संडे को सब अपने अपने किचन में अलग अलग खाना बनाते हैं और मुझे सबकी हेल्प करनी होती है चाहे लाइक। लेकिन उसके बाद दादाजी का टेंशन कि कौन सी मम्मी का खाना अच्छा लगेगा वगैरह। आई मीन शेफ के दिमाग में बहुत टेंशन आ जाता है यार। मैं क्रिएटिव नहीं बन पाता हूँ। और वैसे भी आज हमने जो कांड किया ना उसकी भी सजा हमें कल ही मिलने वाली है। आई नो इस रात का इंतजार बहुत लंबा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस घर में पहली बार हैं। तुम सबसे पहले मैं। ये सारे वेजीज आपको सबके किचन में पहुंचाने हैं ना तो चलिए इसी बहाने आपकी हेल्प भी हो जाएगी और एक ऐसे घर की सैर हो जाएगी जो घर नहीं है। तो क्या है? जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क? हाँ इस जुरासिक पार्क में ना बहुत सारे डायनासोर है छोटे मोटे लंबे काले गोरे। वीरेंद्र सर। अरे विमला अभी तक मेरे नहाने का पानी नहीं गर्म हुआ। विमला हद है यार किसी को वक्त की परवाह ही नहीं यहाँ पे। चलो 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 चलो। निशु मैंने सुना है कि वीरेंद्र सर अपने ही बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जितने भी डायनासोर है ना सबके सब शाकाहारी है प्योर पेट। जी जी पंडित जी मैंने तो सुबह 5:15 बजे ही भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दिया था।
हाँ नए कपड़े पहनकर। अच्छा मैं रखती हूँ, नमस्ते। अपनी मम्मी के लिए कौन सी सब्जी से लग गया? अरबी, सबसे आलसी सब्जी है ये, बड़े आराम से देर से पकती है। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है रमेश और सौर की गुफा। ये हैप्पी गो लकी, ये डायनासोर ना हमेशा अपनी गुफा में ही पाया जाता है। अरे उमेश तुमने तो बताया ही नहीं किसके पकौड़े बनाने हैं। मसाला कूटना है, तेल चढ़ाना है, राम इतने सारे काम पड़े, उमेश कुछ तो बताओ। लक्ष्मी चाची आप लौकी के पकौड़े बनाओ। और हाँ चाची याद है, मुझे पता है बाबूजी को छोटे छोटे काटने हैं ताकि लौकी देखती रह जाए। ओफो बाबूजी को थोड़े थोड़े काट। मम्मी बाबूजी छोड़ ना, लक्ष्मी चाची कितनी स्वीट है ना, बिल्कुल लौकी की तरह किसी भी सब्जी में घुल जाती है, सब टेंशन खुद ले लेती है और किसी को कोई टेंशन नहीं देती। आई नो राइट मम्मी, आई लव यू। क्या है, कितना काम पड़ा है, जा। अरे डायनासोर और रूपनासोरस, ये दोनों डायनासोर हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं और अक्सर ना तभी तभी आवाज में बातें करते हैं ताकि कोई सुन ना। गुड मॉर्निंग ताई जी, ताऊ जी। हेलो। गुड मॉर्निंग निशा। गुड मॉर्निंग उमेश। बताओ आज अपनी रूपन चाची के लिए तुमने कौन सी सब्जी सिलेक्ट की है? बेस्ट ऑफ द लॉट, लेडी फिंगर। भिंडी? नहीं उमेश, इसमें इसमें बहुत मेहनत होती है। अरे ताई जी आपको थोड़ी ना पकानी है। रुकमावती। हाँ तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है ना, दिल का कनेक्शन जो है ताई जी। जी हाँ उमेश भिंडी लेके आया है, ले इसको बराबर धो के साफ करके फिर काटना, और जहां पर भी सब्जी बनाओ ना प्लेटफॉर्म बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, मसाले ठीक से पीसना, फॉरेन का मिक्सर है, खराब हुआ तो आप हमारे पैसे काट लेंगी। हट पगले, ऐसा थोड़ी करूंगी मैं, पैसे दूंगी ही नहीं तुम्हें। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाके काम पे लग। 10 बजने वाले इस पार्क के सबसे बड़े डायनासोर दादा सोर के आने का टाइम हो गया। क्या आपको अपने पकौड़े पे अभी उतना भरोसा है जितना 5 मिनट पहले था? नहीं निशु, मेरे हिसाब से तुझे की तरह काम करना चाहिए और मुझे अपने पकौड़े पे ध्यान देना चाहिए। रिलैक्स उमेश भैया, दादाजी जो भी पनिशमेंट दे दे हम सब मिलकर हैंडल कर लें। अब जाइए फिफ्थ गियर में अपने पकौड़े बनाए। फिफ्थ गियर में निशु? उमेश भैया आप नहीं समझोगे, बहुत डीप है। उठिए 10 बजने वाले हैं। रोज बजते हैं। बाबूजी नाराज हो जाएंगे। होने दो। मैं भी नाराज हो जाऊंगी। नहीं आज कोई नाराज नहीं होगा, आज संडे है ना, आज हम प्यार करेंगे। दरवाजा खुला है, क्या कर रहे हैं? बच्चे आ जाएंगे। आने दो। डॉली के पापा आ जाएंगे। याद करोगी जाने ना, जब बुढ़ापे में मैं तुम्हें प्यार से छूंगा ना, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही होंगी और तुम बोलोगी अरे क्या कर रहे हो, प्यार या मसाज? मसाज अच्छा भी लग सकता है। तू नहीं पकिया से। अरे क्या कर रहे हैं आप, चलिए उठिए। हाय मेरे पकोड़े जल रहे हैं। लक्ष्मी मेरी चाय किधर है? और ये पौधों में पानी डालने का बर्तन किसने मेरे कमरे में रख दिया? राम मैंने फिर से पौधों में चाय डाल दी आपकी वजह से ना। माँ जी लाइए, माँ जी मैं चाय बना के लाती हूँ, ये इनको उठाने के चक्कर में ना। अरे बड़ी तेरी, रमेश उठा नहीं अब तक। अरे ये तो निकलने वाले हैं, तो बंद हो गया। रमेश हाय राम क्या होगा? रमेश अब मैं क्या करूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।